हेलो गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मेहुल और आज हम अपना दिन चालू कर रहे हैं हमारे पार्किंग में से, बिकॉज ये जो है अभी साथ में राइड पे से वापस आई है और ये थोड़ी सी गंदी है तो इसको निकाल के अच्छे से क्लीन कर देना है। और जो तीसरी चीज़ है मेरी गाड़ी, वो तो इतने बुरे हालत में है इतने दिनों से, तो उसको थोड़ा सा एक मैं रेंज डाउन दे दूंगा, उसके बाद इट इज़ गोना गो टू OCD एंड जो इंटीरियर एक्सटीरियर सारा जो ट्रीटमेंट है वो सारा कुछ होगा। बट फॉर नाउ वी जस्ट डू बोथ ऑफ दीज बाइक्स एंड रेंज द कार। आज टॉप बॉक्स के अंदर देखा हम लोग क्या सारा सामान भर के लाए। दिस इज़ माई प्रेशर वॉशर अगेन, दैट इज़ माई प्रेशर वॉशर, आज यूज़ करेंगे। सोचा था मैं कि टाइगर भी थोड़ी रिंस करके वॉश कर ही देता हूँ, क्योंकि गाड़ी वॉश नहीं होगी, वो बहुत ज़्यादा गंदी है और प्रेशर वॉशर चल नहीं रहा है। अब सीन ऐसा हो गया वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो ख़राब है और वो पता नहीं कब से ख़राब है, और मैं भी इनको बोलना भूल गया, मुझे ही करवाना पड़ेगा लगता है जाके, कुछ होने वाला तो है नहीं इनसे, तो ठीक करवाऊँगा फिर कल परसों या तो आज OCD को फ़ोन करके पूछूँगा कि भाई कर सकते हो तो प्लीज़ कर दो, गाड़ी की हालत बहुत ख़राब है। और आज हम लोग गाड़ी को बाहर लेके जाने वाले काम के लिए, तो इसके लिए मैं सोच रहा अभी देखते चलो जैसा भी है जो भी है। और ये देखो टाइगर, इस पे पानी टिकता ही नहीं, मैंने हल्का सा बस ये देखो ये कपड़ा मारा इधर, ख़त्म, गॉन, फिनिश्ड। सो ये प्रो ग्रेड कोटिंग है OCD का और उस पर ग्रफीन कोटिंग है टॉप मोस्ट वाली और ये उसके नीचे वाली, तो आप देख ही सकते हो फ़ायदे कितने, बस पानी मारा और काम ख़त्म। तो अभी सीन ऐसा है ना, फाइनली अपन निकल गए अपना काम करने के लिए, हाथ में दो दो कैमरा है तो दोनों कैमरा गाड़ी के अंदर लगेंगे, एक तो मेरा डैश कैमरा और एक GoPro है थोड़ा आज का फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं आपको ऑन द वे बताता हूँ, आप इससे GoPro से बात करते हैं। तो गाइस फाइनली ऑल गियर्ड अप एंड रेडी, गियर्ड अप यार कुछ निकालता हो ना, ऐसे ही लगता है कि मैं बाइक पे हूँ फुल टाइम। गाड़ी वाड़ी चलाने का आदत तो इतना ज़्यादा कम हो गया, आप लोगों को क्या बताओ, पता नहीं कितना 20 या 25 दिन बाद मैं ऐसे गाड़ी निकाल रहा हूँ। अब ये गाड़ी आपको पता है मेरे लिए इतनी स्पेशल क्यों, या फिर यू नो व्हाई आई हैव इट, द एक्चुअल रीज़न इज बिकॉज इट्स माई यू कैन से अब प्रोजेक्ट कार। आप बोलने जाओगे तो ऐसा मत सोचोगे इसमें टर्बो अपग्रेड ही वगैरह, इट इज़ जस्ट वन कार विच आई हैव, जिसमें मैं बस से मस्ती करता हूँ, लेकिन यू नो ये पार्ट डाला वो पार्ट डाला, कभी ये निकाला कभी वो लगाया और कुछ भी नहीं। आज एक नई चीज़ कराने जा रहे तो अभी चलते आपको दिखाते क्या करा रहे, तो कि आप ये इन्जॉय करो। और ये देख लो मेन रीजन में मुंबई में गाड़ी निकालता क्यों नहीं, हमेशा यही होता है, यही कहानी है। आप लोग मेरे को पूछते रहते हो कि आप गाड़ी क्यों नहीं निकालते, गाड़ी पे कब वीडियो बनाओगे, भाई गाड़ी चलाने की जगह नहीं है सिटी में, वीडियो बनाना दूर की बात है। आज भी हमको काफी लंबा सफर तय करना है, अराउंड 28 किलोमीटर जाना है। तो अपन ने फाइनली टाउन एंटर कर लिया, आज ना सीलिंग पे मेरे को एक टेस्ट रन मारने मिला नहीं, क्योंकि मेरा एयर फिल्टर का सिचुएशन थोड़ा टाइट है, एयर फिल्टर निकल गया पाइप में से तो वो भी थोड़ा सा लटक रहा है, क्योंकि उसकी जो इनलेट पाइप थी तो इनटेक पाइप बोल सकते हैं उसको, वो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो अभी एक मिनट ज़्यादा ही पास आ रहे हैं अंक, उसकी जो इनलेट पाइप थी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी, तो वो साइड ऑफ फेंडर पर टच वगैरह भी होता था, तो अभी जो भी है सारा कुछ रिपेयर करवा देंगे, गाड़ी को एकदम मस्त बन जाएगी आज। तो आप लोग बस बने रहो, देखना कि क्या होने वाला है। और अगर किसी को पता है कि मैं क्या कराने जा रहा हूँ तो जरा कमेंट सेक्शन में डाल दो, क्या लगता है कि मैं क्या कराने जा रहा हूँ। So we have started the work on the car, basically इसका ECU is hooked up to the laptop and वहाँ पे क्या हो रहा है वो मैं आपको नहीं बता सकता, but यहाँ पे my car has been hooked up to it और जो भी मैजिक होने वाले अभी इसके अंदर से होने वाले और वो पूरी कार में होगा। तो अभी सबसे फर्स्ट स्टेप, दे हैव स्ट्रैप डाउन द कार, क्योंकि कार अभी होने वाली है डाइनो रन। डाइनो रन बेसिकली आगे वाले व्हील मूव होंगे ऑन अ डायनोमीटर और वहाँ पे पावर आउटपुट पता चलेगा। सो गाइस दे आर डूइंग द फर्स्ट डाइनो रन, अभी पूरा का पूरा गाड़ी स्टॉक है एंड दे विल बी रनिंग द कार ऑन इट।
और यहाँ पे देखो क्या खड़ा है, दिस इज वन कार विच आई एब्सोल्युटली लव, मतलब दिस इज माय ड्रीम कार द GTR, एंड दिस इज अथर्वस ड्रीम कार, मतलब आई वोंट माइंड एनी ऑफ दिस, आई लव दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, स्पेशली द R34। सो फाइनली द मैप इज इन द कार एंड हम लोग का 2 runs हो गया, वो स्टॉक रन था जो आप लोग ने देख लिया है, नाउ वी आर डूइंग द फाइनल रन एंड लेट्स गो। गाड़ी का सारा काम हो गया एंड दिस इज ऑफिशियली लाइक माय फर्स्ट ड्राइव इन द कार, और लाइक अभी तो हाँ ऑफ कोर्स राइट नाउ आई वोंट नो एनीथिंग, थोड़ा मैं गली के बाहर निकल जाऊँ, थोड़ा लेट मी गेट टू ओपन अप थोड़ा सा, फिर मुझे पता चलेगा। एम बीइंग सेड ये रीमैप से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ अ नेचुरली एस्पिरेटेड कार, बट देन मतलब ड्राइविंग करते टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, लाइक द ड्राइवेबिलिटी ऑफ द कार हैज़ इंक्रीज। अभी रीमैप में बेसिकली होता क्या है, आपका इग्निशन और फ्यूल दो चीज़ होती है जो उन लोग ट्यून करते हैं, चेंज करते हैं, जो कम ज़्यादा होता है करना होता है उन लोग वो करते हैं, अब वो उनका सारा चीज़ है, वो अपने को इन डिटेल में जाने का ज़रूरत है, अब इतनी अपने को समझने वाली बात है कि गाड़ी बहुत अच्छी हो जाती है ड्राइव करने के लिए। ओके यस देर इज़ अ डिफरेंस, देर इज़ डेफिनेटली अ डिफरेंस, लाइक लो एंड में फट से उठ रही है गाड़ी, एंड मेरे कैसे ये गाड़ी का टॉप एंड भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अभी ये मैंने क्या कराया, कहाँ से कराया और कितने का कराया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीन ही आ गए। सो ये मैंने रीमैप कराया है सुपर चिप्स कंपनी का विच इज़ बेस्ड इन UK, और कुछ आई थिंक इसका कॉस्ट है 15,000 to 16,000 रुपीज़ फॉर दिस कार। अब हर गाड़ी का अलग हो सकता है या हर स्टेज ऑफ ट्यून का अलग हो सकता है, दैट वो आप उनसे डायरेक्टली बात कर लो। ये मैंने करवाया N1 रेसिंग योर इन मुंबई, मैं इनका नाम और नंबर हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप कभी वहाँ जा रहे हो यू कैन टेल देम दैट यू नो हम लोग मेहुल का वीडियो देख के आए, सो दे माइट गिव यू अ लिटिल मोर कंसिडरेशन, थोड़ा और डिस्काउंट वगैरह हो जाए तो कर देंगे। रही बात अब अपनी बलेनों की, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो वैसे अपना गाड़ी पे ना सारा का सारा काम करके हो चुका है, अभी जो ड्राइविंग में जो डिफरेंस है, मतलब मैंने अभी काफ़ी सारा चलाया है टाउन में ही, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब इवन दो हॉर्स पावर का फर्क हार्डली इट वॉज 6-7, बट आई कैन डेफिनेटली से ये जो ड्राइविंग में जो यू नो नॉर्मल ऐसा ये जो है ना पुल, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब ऑफकोर्स ये ऐसा बलेनो से लैम्बोर्गिनी तो नहीं बन गई है, क्वाइट बेटर देन व्हाट इट वाज। ऑल्सो जहाँ पे मेरे को लगता था कि फ्लैट स्पॉट्स या पावर कम आ रहा है वहाँ पे वो सारे इश्यूज आयन आउट कर दिया है अभी देखो बस। तो मेरे हिसाब से तो जो मैंने 15,000 गाड़ी पे स्पेंड किया है मेरे को तो काफ़ी वर्थ लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी बढ़ गई है, कार की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात इस पर आती है कि इसके माइलेज का क्या, सो माइलेज विल नॉट चेंज बाय मच, मतलब अगर आप इसको रीमैप करने के बाद बहुत ज़्यादा भगाने लग गए हो तो यस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है माइलेज, बट अगर नॉर्मली चला रहे हो ज़्यादा कुछ है नहीं, कभी कभार थोड़ा भगा लिया या फिर कोई इवेंट में गए वैसा कुछ तो ठीक है। लगना चाहिए ना कि क्या कुछ किया है गाड़ी में, इसके लिए सुपर चिप्स का स्टिकर आता है। हाँ तो मैंने आप लोगों को पता है नहीं कि जो मैप है वो सुपर चिप्स का है, तो सुपर चिप्स का उसका स्टिकर आया, लगा दिया गाड़ी पे और अभी मजे करेंगे। बट क्या बताओ यार, जो ड्राइव से ना नेक्स्ट लेवल मजा आ गया, कैमरा के पीछे साहिल है उसका रिएक्शन तो लेना बनता ही है भाई, मतलब क्या ही बोलूं, एक नंबर, मतलब बाप बाप, मतलब खत्म भाई, मतलब बलेनो देखा ही नहीं है, मतलब स्टॉक वाले लोग क्या होता है अभी वैसी फील आ रही है, मतलब
क्या मतलब क्या बोलूं मैं। नेक्स्ट लेवल।